हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज है 31 अगस्त और गणेश चतुर्थी है, तो हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल। गणपति बापा सबको जो चाहिए वो दे, आप सबकी मनोकामना पूरी करें और बस सुख समृद्धि आपे, ऐसी शुभकामनाएं आप सभी के लिए। और बस आज गणेश चतुर्थी है तो ऑफिस में छुट्टी है मेरी धार्मिक की, सरूपा की, बट उत्तम भाई की ऑफिस चालू है तो सरूपा एंड उत्तम भाई अपनी ऑफिस चले गए हैं और बस चल रहा है रूटीन काम। तो आज हम गणेश चतुर्थी है तो गणपति बापा को लड्डू का भोग चढ़ाते हैं, तो बस आज वही चल रहा है। तो मैं बना रही हूँ गणेश जी के लड्डू। और श्री की अपडेट दे दूँ तो श्री खुश है, मजे से बात करती है, काफ़ी टाइम तो वीडियो कॉल में बात नहीं करती। और जो लोग नए आते हैं वो एवरी टाइम पूछते आपका नाम क्या है, चैनल का नाम क्यों ये है, तो मैं वो सबको बता दूँ। मेरा नाम पूनम है और मेरी डॉटर है उसका नाम श्रीनिधि है, जो 3.5 साल की है और उसी के नाम से चैनल है, मतलब उसके बॉर्न होने के बाद ही मैंने बनाई थी, सो चैनल उसके नाम से, इसलिए श्रीनिधि है। बट हाँ, तो अब इतना बताए, तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लेना अगर नहीं किए तो, और फेसबुक पेज भी है अपना और इंस्टाग्राम भी है, सो तीनों में कर देना। थैंक यू। और अब बताती हूँ चूरमा के लड्डू की, तो थोड़ा ज़्यादा चूरमा के लड्डू बनाते हैं। तो इसमें है भाखरी का आटा और बेसन है और वो क्या बोलते हैं वो सूजी, हाँ रवा, तीनों तीन डाला है। इसको अच्छे से मोइन डाल के अब मैं आटा गूंद लूँगी। मुठिया हो रहा है डीप फ्राई, और चल रही है वीडियो कॉल श्रीन्या के साथ। श्रीन्या, हाँ बेटा, वो कहो बेटा, चड्डी पेरी नो तू ना, चड्डी पेरी नो तू ना वानु दिखो। तो बोल दाई। धार्मिक को लगा दिया है धंधे पे, मतलब काम पे। सो लड्डू का 70% काम हो गया है और यहाँ पे रख दिया है घी और स्लाइड गुड़ डाला है, इसमें ज्यादा घी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लड्डू तो ये गणेश जी के लड्डू एकदम कंप्लीट होने को आए हैं, देखिए अब बस मुझे शेप दे देना है। बहुत अच्छी घी की खुशबू आ रही है, बट बने गणेश जी को भोग लगा के फिर हम खा सकते हैं। थोड़ा ऑफिस का काम आया है तो मैं जा रही हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी, चलो बाय। तो मैं जा रही हूँ मेरी इट्टी वाले के, फटाफट से आ जाती हूँ फिर वापस मिलते हैं। चलो गणेश जी की पूजा करनी बाकी रही है, सिर्फ लड्डू बने हैं। सो लड्डू इज हियर, लड्डू के साथ दाल अच्छी लगती है और ये चावल भी बना लिए। तो ये हमारा लंच टाइम और धार्मिक का फेवरेट म्यूजिक चल रहा है, ओस्मान मीर का म्यूजिक धार्मिक को बहुत पसंद है, तो इसी के साथ अब हम लंच ले लेते हैं। चलो लंच हो गया और लीली मांडवी, मतलब ओड़ा बोलते हैं, पीनट्स, ग्रीन पीनट्स, कलर में ग्रीन नहीं होती है ये, फिर उसको रोस्ट करनी होती है, बड़ी यम्मी लगती है, सबकी फेवरेट। और ये सिलसिला अभी भी जारी रहा है, पता नहीं कब तक रहेगा। गणपति बापाओं कहता था श्री बहु होशियार बन जे, एवं कहता था। सेनी चावी छे ताला घल नी, તારું ઘર બતાય હાલ, કેવી રીતે શ્રી ખોલે લે મન બતાય તો આમ, એલા હા શ્રી નું ઘર તો કેટલું સરસ છે રેડ ને વાવ। सो संडे की, संडे नहीं वेनसडे, पर गणेश चतुर्थी के कारण छुट्टी है तो वो संडे वाली फीलिंग है। तो इवनिंग चाय हो गई है बस, और अब अकेले हैं तो ऐसे ही रेंडमली घूमने निकले हैं, तो देखते हैं कहाँ जाते हैं, आपको भी लेके चलते हैं साथ साथ। चलो
हम पहुंच गए इन्फो सिटी में, तो बस देखेंगे कुछ काम याद आया तो जाएंगे। गांधीनगर में इन्फो सिटी अच्छी जगह है, मतलब सब कुछ मिल जाता है, ब्रांडेड लोकल और सब कुछ, मतलब एवरीथिंग। यहाँ से आए आए यहाँ से अच्छा पान लेता हूँ ना, बस निकला टाइम। ये खादिम करके है, काफी दिनों से फुटवेयर कर रही थी, तो वैसे भी फ्री टाइम है तो आ गई हूँ यहाँ पे। वैसे कलेक्शन अच्छा है। ये हो गए पान हमारे, सारा मन नहीं आयु। अब पान खा रही हूँ लॉलीपॉप की तरह। अब ये एक जगह है जहाँ बहुत सारी शू शॉप्स है, तो देखते हैं बाटा में जाएंगे शायद। कुछ तो दिखाओ, कुछ तो होना चाहिए। सबसे बड़ा आमा, आमा मोटी साइज़ है, आमा बताओ, आमा बताओ, आमा वही तो आमा बताओ। अच्छा, अब बाटा में और कहीं मजा नहीं आई, दूसरी एक जगह पे हम देखने आ गए वापस। अपन साइज नहीं थी, आमा साइज नहीं थी ना, आमा शूज है, कलेक्शन छे आमा। हाँ ये चालू ना तो लई है। ये गांधीनगर का दूसरा एरिया जो बोलते हैं इसको, रिलायंस चौकड़ी कूड़ासन, यहाँ पे आ गए। ऐसे ही घूम रहे हैं, कुछ काम धंधा है नहीं तो क्या करेंगे। हाँ जूस मले तो चल से। हम आए थे इधर पानी पूरी खाने, बट अब आज है बंद तो चले जाते वापस, कहीं और ढूंढेंगे। ये हमारे साउथ के हीरो है, आज मुंह में कुछ लगाए हुए, ये देखिए। ये है धीरूभाई अंबानी यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और इधर आगे है गरिमा कुमार जो टाटा कंसल्टेंसी की बोलते हैं ना, घर रोड है गांधीनगर का घर रोड। गिफ्ट एक डिजाइनिंग नहीं नहीं कॉलेज है, ये निफ NIFT है कॉलेज है इंस्टीट्यूट है। हाँ हाँ निफ्ट चमन खबर है। और ये है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, गरिमा पार्क नाम दिया हुआ है। यहाँ पे पूरे भारत के IT एक्सपर्ट्स बैठते हैं। 2 साल यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम था, तो पूरा हमारा इन्फो सिटी खाली हो गया था, अब वापस हरा भरा हो गया है। देखो इधर है, वेलकम टू इन्फो सिटी ग्लोबल IT हब। तो अब हम वहाँ से सीधा आए हैं इधर तृप्ति आइसक्रीम के सामने, बट हम आइसक्रीम नहीं खाएंगे, हम पियेंगे जामुन सो। ये फ्रेंकी स्टेशन है, अच्छी है, और यहाँ पे बन रहा है जामुन सो। भाई वो बरसात आवन कौन अच्छा जमाड़े। अब हम आ गए स्वर्णिम पार्क, और पता नहीं कुछ फंक्शन लग रहा है बाहर, सब लोग खाना खा रहे हैं। मारो अच्छा ओके, तो अब यहाँ पे वॉक करेंगे, एक लंबा सा राउंड लगाएंगे बड़ा सा।
वहाँ पे चल रहा है कुछ खाना पीना और बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स है, पता नहीं क्या है बट कुछ तो है। ठीक है चलने दो वो सब और हम भी चलेंगे। तो अब थोड़ी देर फोन को रख देते हैं विराम पे और वॉक कर लेते हैं ध्यान से। बट पहले मेरा स्वर्णिम पार्क आपको दिखा देती हूँ गोल गोल घूम के। यहाँ पर है सचिवालय जो दिख रही है आपको, और ये पूरा घूम के यहाँ पर है महात्मा मंदिर और उसके बीच में पूरा है स्वर्णिम पार्क। हाँ मोटो राउंड मारिए। यहाँ पे ना फाउंटेन शो होता है बट हमें टाइमिंग या कुछ पता नहीं था, बट सडनली यहाँ पे स्टार्ट हुआ है तो ऑल आर एंजॉइंग फाउंटेन शो। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। अगर गांधीनगर आओ तो 7 बजे आई थिंक स्टार्ट होता है, अभी 7 बजे शाम के। एक बार श्री ने लेने तो अपने मजा नती आई। अब ये दिख गए हमें भैया चना चोर वाले, तो चना चोर खाएंगे। तमें नहीं खाओ थर्मी अमे आ खाटू मीठू मजा आया खावाने। मीडियम है खाना? हाँ मीडियम। हरी मिर्च डाल ना थोड़ी सी। ये चने आप बनाते हो या रेडीमेड लेते हो? नहीं नहीं इधर ही बनता बोरी। अच्छा बोरीज में बनता है, चाचा बनाता है। अच्छा ही होता है ना वैसे। हाँ, फ्रेश। तो ये देखो ऑफिस से आ गए, खाना खा लिया, वॉक कर लिया। और ये क्या करके आए ऑफिस में? हाँ कितने पैकिंग किए क्या? कुंभड़िया खा के। और क्या खाया? कुंभणिया एंड पकोड़ा खा के आए हैं। तो अब हम लोग प्लानिंग करे, मुझे भी खाना है वो कुंभणिया भी और पकोड़ा भी, जो सरूपा ने भी रिव्यू दिए कि बहुत टेस्टी है। हाँ तो अब हमारा फाइनल फिक्स हुआ है कि संडे को इस बार उत्तम भाई के ऑफिस में जाएंगे। तो मेरे व्यूअर्स मेरे सब्सक्राइबर्स बंद करो थोड़ी देर। मेरे व्यूअर्स मेरे सब्सक्राइबर्स जो लोग मुझे बोलते थे कि प्लीज आप निकोल आओ, तो इतने महीनों के बाद मैं निकोल जाने वाली हूँ जो विशाला सुप्रीम है वहाँ पर। तो इवनिंग के 4 से 5 के बीच में जो नीचे खेतला पर टी स्टॉल है वहाँ पे मिलेंगे। तो आप सब लोग मुझे कंफर्म करना, जो लोग आने वाले हैं मैसेंजर में बताना। ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज की व्लॉग यहाँ पे खत्म करते हैं। गुड बाय 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 बाय।